कैसे हैं आप सब? यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी औलाद जिस तरह कैमरा देख रही है ना, ऐसे लग रहा है पहली दफा देख रही है। सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, टाइटल और थंबनेल से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह वाकई हमारी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये कभी नहीं मैंने सोचा था कि जो मेरा रिस्क है वो सात समुंदर पार लिखा हुआ है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने प्लान किया होता है वो नो डाउट बेहतर ही होता है। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्या है कि अभी मैंने बच्चों के ना गर्मियों के कपड़े लेने हैं, अभी मैं उनके वो लेने के लिए जा रही हूँ। साथ में भी ईद के नहीं ले रही, ईद के इंशाल्लाह ताला करीब जल्द ही लूंगी, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं क्योंकि अभी तक इनको स्कूल से छुट्टियां नहीं हुई। अभी हम जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए, तो आप ही हमारे साथ ही चलें। और पेमेंट कितनी आई है इसका इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगी, तो आपने बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, किसी हिस्से में भी मैंने बता देना आपको। जी, सबसे पहले हम अलक्रम पे गए। अलक्रम पे जी आज अप टू 50% ऑफ था, मिड समर सेल थी। अच्छा, बहुत ज्यादा वरायटी थी, बहुत अच्छी वरायटी थी, लेकिन जो साइजेज है ना वो उनके पास कम थे। काफ़ी हमें भी चीज़ें पसंद आई। आगे मैंने सारी व्लॉग में अपनी सारी शॉपिंग आपके साथ शेयर की है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त इतनी गर्मी थी क्योंकि इनके एसी ख़राब हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा इस टाइम गर्मी थी। बड़ी मुश्किल से जैसे मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने सिर्फ पानी पिया और कुछ नहीं किया। उसके बाद जी खैर हम सीधा चले गए जे डॉट पे, वहाँ पर भी सेल थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई खास इस तरह चीज़ पसंद नहीं आई। वही पुराने सारे प्रिंट्स थे, कोई नई चीज़ नहीं थी, जो यानी कि जे डॉट के वही प्रिंट्स थे जो आज से 4-5 साल पहले के हम देख रहे हैं। फिर मैं चैनवन चली गई, वहाँ पर मैंने खैर ईडन ड्रॉप से एक सूट ले लिया, वो मुझे अच्छा लगा। वहाँ पर भी ऑफ था, मेरा ख्याल है हर ब्रांड पर ही ऑफ चल रहा है, लेकिन अच्छा ऑफ चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद ग्रॉसरी करनी होती है। आपको पता है कि मंथली इकट्ठी ग्रॉसरी कर ली जाती है, मेरे पास इतना ही टाइम होता है कि मैं महीने में एक ही दफ़ा सारा कुछ सामान ले लेती हूँ, जो कि पूरा महीना हमारे लिए बहुत होता है। और सरगोधा में ग्रॉसरी के लिए सबसे जो बेस्ट चॉइस है वो मेरे लिए पंजाब जनरल स्टोर है, क्योंकि वहाँ पर एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ आपको मिल जाती है, इनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। और सबसे बढ़ के एक मज़े की बात है कि क्योंकि इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनके पास सारा जो स्टॉक है ना वो बहुत फ्रेश होता है, कभी कंप्लेन किसी आइटम पे नहीं हुई। अच्छा, टिश्यूज़ ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि हमज़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, बहुत वेस्ट करता है, तो हमज़ा जो मेरे साथ शॉपिंग करवाने में, अच्छा मेरी हमज़ा बहुत हेल्प करता है। जब भी मैं ग्रॉसरी करूँ ना, मैं जो चीज़ उठाती हूँ हमज़ा के हाथ में देनी है, हमज़ा ने उसे ट्रॉली में रखना है, ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्रॉली में रख नहीं सकती। आप देखें मेरे साथ साथ पूरे व्लॉग में हमज़ा होगा क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ना ग्रॉसरी में हेल्प करता है। अच्छा, मैं वॉशिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, मुझे कपड़े धोने का बहुत वहम है आप कह लें, इसलिए सर्फ़ की ना मेरे से सिलेक्शन नहीं हो रही थी। और जो टूथपेस्ट है ये हमेशा मैं छोटे वाले लेती हूँ, आई थिंक जो 150 वाले हैं, वो इसलिए कि बड़े जो होते हैं ना वो हमज़ा जब खोलता है तो उसकी कैप ओपन रख देता है, जिसकी वजह से वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा, लेमन मैक्स लिक्विड वगैरह भी लेना था, मैंने कहा इस दफ़ा खैर मैं अपनी बॉटल चेंज कर लूँ क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई, नहीं तो मैं हमेशा हर दफ़ा पाउच लेके उसे रीफ़िल करती हूँ। तो इस दफ़ा मलाइका ने मुझे कहा नहीं मामा प्लीज़ इस दफ़ा अपना न्यू बॉटल ले लें। अच्छा, साथ में जो विम था वो पाउडर वगैरह वो ले लिया। स्प्रेज में बच्चों से पूछ रही थी कि स्प्रे लेने वाला है कि नहीं लेने वाला। रात को मैं सोने से पहले ज़रूर जो किंग टॉक्स आई थिंक यही नाम है इसका, ये मैं स्प्रे जो है ना सारे किचन में कर दें, तो इससे ये होता है कि बिल्कुल आपके किचन में ना कॉकरोचेज नहीं आते, बिल्कुल कोई कीड़ा नहीं आता आपके कैबिनेट्स में, कभी भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से फिर जो जो चीज़ें लेनी थी सारी हमने ग्रॉसरी की। ऑयल में हमेशा ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं सूफ़ी का यूज़ करूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत लाइट है खाने के लिए, बहुत ही लाइट होता है। फिर बाकी जो मसाले लेने थे, आपको पता है जिस तरह आगे बड़ी ईद आ रही है तो ये बिरयानी मसाला और ये सारी चीज़ें, पास्ता, अब ये लिप्टन चाय मैं पीती हूँ, लिप्टन मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है क्योंकि सुप्रीम जो है ना वो थोड़ी देर बाद ब्लैक हो जाती है उनकी चाय। बाकी ये हमज़ा रूशा कह रहे थे आप ये गार्लिक सॉस ले लें, ये ले लें, ये रूशा कह रही थी मैं ये ना ले लूँ, हॉट चिल्ली सॉस थी ये, बहुत बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी होती है। और जो जो बच्चों ने बहरहाल चीज़ें लेनी थी, अचार ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था तो मैंने नहीं लिया। खैर हमज़ा बहुत एक्टिव होता है, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ग्रॉसरी करते हुए। अच्छा, ये जूस डिपार्टमेंट था, हमज़ा यहाँ जूस में आ गया, इसने कहा मैंने जूस लेने हैं, मैंने फिर बच्चों के लिए नगेट्स ले लिए क्योंकि आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनके लिए घर में बनाऊँ, लेकिन वैसे मैं घर में भी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो डाइट पेप्सी या डाइट कोक पीते हैं, साथ में वो भी खैर मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि इतना मैं थक जाती हूँ ना ग्रॉसरी करते हुए भी। अच्छा, ये जो नेस्ले के जूस हैं ये मैं नहीं लेती क्योंकि ये मैं घर में खुद बनाती हूँ, ये मैं कैसे बनाती हूँ इंशाल्लाह ताला आपके साथ बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी और आपके बच्चे बिल्कुल बहुत पसंद करेंगे और आप भी नेस्ले के जूसेस को भूल जाएंगे। अच्छा जी, साथ क्रीम वगैरह जो हमने चीज़ें रेगुलर सारी लेनी थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे महीने की ले लेती हूँ। और ये मलाइका कह रही थी कि मामा ये रेमन नूडल्स चैलेंज जितने हमने किए हैं ये अब पंजाब जनरल स्टोर पे भी आए हुए, मलाइका कह रही थी ये मैंने एक लेना है एक लेना है, मैंने कहा चलो तुम अपना शौक उतार लो। और ये अरुषा का डिपार्टमेंट है बिस्किट और ये सारा। खैर फिर मेरे हस्बैंड ने एंड पे कहा कि चले अभी आप लोगों की शॉपिंग तो ख़त्म नहीं होनी, मैं बिलिंग करवा लूँ, वो इतनी देर में बिल करवाने लग पड़े।
और अभी अरुषा और मलाइका जो हैं वो अभी ये देखें चीज़ें ला ला के रख रही थी, उनको ये था कि अभी ये रह गया वो रह गया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत दें। जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो हम इकट्ठी ले लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जितना टाइम नहीं होता, वो सुबह ऑफिस जाते हैं शाम को आते हैं, इसलिए फिर खैर आपने ग्रॉसरी की, बहुत ज़्यादा बंदा थक गया था। ये जो बास्केट है ना, ये अरुषा की है। मलाइका ने भी स्प्रेज़ लेने थे, वो अपने स्प्रे लेने के लिए चली गई। यहाँ पर स्प्रेज़ की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, लेकिन खैर हम कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते। ये इतनी जी ट्रॉली बनी थी और फिर हम घर आ गए और बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसे संभालने में। अच्छा जी, शॉपिंग करके हम घर आ गए थे, इतनी गर्मी थी, इतना आवाम का रश था, क्योंकि कल से ही ऑर्डर हुए हैं कि मार्केट जो है ना वो रात को 10 बजे तक खुली रहेगी। इतना रश था और बस मैं आपको क्या बताऊं। कारण अच्छा, सबसे पहले मैंने पंजाब जनरल स्टोर से, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं ग्रॉसरी करती हूँ, ये एक नंबर बड़ा क्यूट सा लगा, ये रोल टिश्यू रोल जो होते हैं उसके लिए, ये रोल ये आई थिंक 300 का आया था, ये पंजाब जनरल स्टोर पर पड़ा हुआ है। बाकी वही रेडम जो होती है घर की, ये देखिए बच्चों ने ना बर्गर पान भी इधर ही रख दिए बजाय इसके कि हम फ्रिज में रखें। अच्छा जी, ये सारा सामान है जो हम किचन का लेते हैं। ये मैंने अनारदाना जो है चटनी बनाती हूँ, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पूरी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर जाएंगे और विजिट करें। और बाकी जिन आइटम्स को हम रीफिल कर सकते हैं ना, मैं हमेशा वो वाले आइटम लेती हूँ, जिस तरह ये टैंग हो गया, शक्कर मैंने आपको बताया था कि ज़रूर आप यूज़ किया करें, वाइट शुगर बिल्कुल ना यूज़ किया करें, इस तरह की चीज़ें, जितनी ये चीज़ें थी बच्चों ने, ये रस वगैरह लेने थे, ये देखिए पानी वाली बोतलें भी ना, ये कल मलाइका ने ग्रॉसरी संभाल ली है, ये चीज़ें इधर ही रखती थी। अच्छा जी, बाकी ये जो जो चीज़ें बच्चे खाते हैं उनकी पसंद के मुताबिक, ज़्यादा तो ज़्यादा आपको पता पास्ता बनता है घर में, तो बच्चे ये चीज़ें खाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर भी वही सारी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें रीफिल हो सकती हैं मैं हमेशा वो लेती हूँ, जिस तरह ये हैंड वॉश हैं, ये घर में सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको पता है मैंने हर पॉइंट के ऊपर ना हैंड वॉश रखा हुआ है किचन के लिए स्पेशली। अच्छा, और बाकी ये सारी वो चीज़ें हैं, ये भी देखिए रीफिल मैं लेती हूँ, जो विम वगैरह, बाकी वही जो ग्रॉसरी में आप सारे आइटम लेके आते हैं। अच्छा, और मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी, तो चले हम आपको शॉपिंग दिखाती हूँ, पसीने से हाल देखिए मेरा जी। मैं जैसे ही घर आती गई, मैंने शॉवर लिया, हम सब ने हमने कपड़े चेंज किए और हम सो गए। अभी मैं उठी हूँ, नाश्ता वगैरह किया है, और कल आपको बताया था कि अलग्रम पे सेल लग रही थी। अच्छा, सेल वाकई अच्छी थी, लेकिन हमारे जाने तक ना काफ़ी आइटम जो है वो निकल गए थे। अच्छा, अब आप आ जाइए, चेक करें कि हमने सेल में से क्या, कुछ सेल में से आइटम लिए हैं, कुछ फ्रेश में से लिए हैं। ये जो सबसे पहली जो शर्ट है, ये मैंने मलाइका की ली है ज़ेलबरी से, ठीक है। अच्छा, ज़ेलबरी की मुझे अच्छी बात जो लगती है, एक स्टिचिंग इनकी बहुत फाइन है, स्टफ इनका बहुत अच्छा होता है। ये तकरीबन लार्ज साइज में है, क्योंकि मलाइका हाइट वाइज अच्छी है, तो उसकी लार्ज साइज में ये तकरीबन 1200 की इसकी ये शर्ट आई है। मलाइका को थोड़े से ना इस तरह के जरा प्रिंट अच्छे लगते हैं, जरा व्हाइट ड्रेसेज में से जरा ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो ऑलरेडी आपको पता है व्हाइट और ब्लैक में दुपट्टे भी घर में होते हैं, तो मलाइका ने ना एक जो है वो ये शर्ट ले ली अपनी ज़ेलबरी से, ठीक है। ये 1200 की है, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं था। अच्छा, ये मैंने अलक्रम से अपने लिए शर्ट ली है, ज़रा मुझे अच्छी लगी। अब देखिए, मलाइका कह रही है मैंने लेनी है, अरुषा कह रही है मैंने लेनी है, अब किसके हिस्से में आती है ये नहीं मुझे पता। अच्छा, ये भी लार्ज साइज़ में है। अच्छा जी, इस पर ऑफ था 50% ऑफ था, तो ये 1425 की ये मिली है शर्ट, लेकिन इस पर ये ब्लॉक प्रिंट है, साथ में ये गोटा टाइप इसके ऊपर स्मोसी लेस लगी हुई है, और बहुत माशाल्लाह से ना ये अच्छी शर्ट है। अच्छा जी, ये तीसरी शर्ट, ये भी अलक्रम से ली है, इस पर भी ऑफ था, ये भी मलाइका ने अपने लिए ले ली, आज सिर्फ मलाइका ने शॉपिंग की है। ये भी 1462 की, ठीक है, इस पर 35% ऑफ था जी, और ये 1462 की ये शर्ट आई है। बड़ा इसका ये ऐसे कूल सा समर के हिसाब से ना, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन इसका कलर है, और अंदर जैकॉर्ड टाइप के स्टफ में स्टिच देखें, ये बिल्कुल महंगी नहीं है 1462 की, ये कोई शर्ट महंगी मुझे तो नहीं लग रही। बड़े इसके एलिगेंट सी इसकी स्टिचिंग इनकी ज़ाहिर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बैक इसकी इस तरह से वही जैकॉर्ड में ही है। अच्छा, ये होगी जी मलाइका की शर्ट। अब ये ब्लैक जो है ना, अब इसकी समझ नहीं आ रही है मलाइका लेगी या मैं लूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ड्रेस मैंने लिया था, अच्छा और भी अलक्रम से, मलाइका ने अपने लिए कॉलेज के लिए स्कार्फ ले लिया, इस पर भी ऑफ था। बड़ा ये खूबसूरत, मलाइका ने कहा मेरे पास ये कलर नहीं है येलो में, जिस तरह कॉलेज आना जाना होता है, तो ये स्कार्फ चाहिए था मलाइका को। अच्छा, लेकिन जो अलक्रम पे सेल थी ना, वो वाकई बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये साथ में रुषा ने अपने लिए बैंड्स ले लिए, कि उसे ये पसंद आ गए थे, आई थिंक ये है 300 का, और ये भी रुषा को पसंद आ गया था। आपको याद है ये कितना पुराना स्टाइल है जो आजकल फिर रिपीट में आया हुआ है, ये 200 का, ये अरुषा को पसंद आ गया था। अच्छा जी, मेरे ड्रेस की अगर आप बात करें, तो मैंने ये लिया है ईडन ड्रॉप पे, इस पर भी ऑफ था, और ये ब्लू कलर में, मेरे पास ना ये वाला कलर नहीं था पहले, और जो मुझे डिज़ाइन पसंद आता था, जो मुझे सूट पसंद आता था, उसके ऊपर उसमें साइज़ नहीं होता था। अच्छा, इस तरह इसका ट्राउज़र जो है वो बनाया गया है, लार्ज साइज़ में लेती हूँ मैं, आपको पता है हमेशा कपड़े, और साथ में इसका दुपट्टा जो है बहुत ही माशाल्लाह उसका प्यारा प्रिंट है, बहुत ही खूबसूरत सा। अच्छा, जिस ब्रांड पर भी मैं गई हूँ ना, सब ने यही कहा कि आप मंडे को आएँ, मंडे से हमारे आ रही है न्यू कलेक्शन। अब आप लोग भी मंडे को ही जाएँ ईद की शॉपिंग करने, अभी क्योंकि मैंने बच्चों की करनी है ईद की शॉपिंग।
अच्छा, इसके साथ ये इस तरह टसल लगे हुए हैं, ये जब मैं पहनूंगी तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि मैं इसमें कैसी तैयार हुई थी। इसके साथ शर्ट है व्हाइट और ब्लू और दो तीन कलर्स का ये कम्बिनेशन है, बड़ा ही खूबसूरत और डिसेंट ये मुझे लगा था सूट। ये ईडन हॉप से लिया है लार्ज साइज में, ये तकरीबन 3300 का आया है। वैसे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 6690 और इस पर भी 50% ऑफ था और ये लार्ज में था। ठीक है जी, ये मैंने ईडन हॉप से लिया है जो मेरा ड्रेस है ये वाला। अच्छा, और एक मैंने सूट लिया था ब्रीजे से, उसका भी सिर्फ मेरे पास ट्राउजर पड़ा हुआ है। ये जो कलर है ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, उन्होंने कहा आप इस दफ़ा येलो कलर लें ब्रीजे का ना, तो मैंने ये येलो ट्राउजर अभी तक तो यही है, क्योंकि जो दुपट्टा और शर्ट है ना वो मैंने लेस मैच करवाने के लिए दिया है, अभी आप ही को वो लेके गई हुई है कि वो मैचिंग करवा के ले आए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वो जा रही थी, तो मैंने कहा मेरे लिए मैच करवा के ले आए। इंशाल्लाह ताला जब ये सूट स्टिच होके आएगा ना, ये मैंने ईद के लिए लिया है येलो, और ये जब इंशाल्लाह ताला स्टिच होके आएगा तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आज की वीडियो में जो मेरे टॉप फैन सिलेक्ट हुए हैं वो है जी सकीना बशारत, सना बिल खान, कुक विद ज़ारा, नूर ऑर्गेनिक्स एंड फ्लोरा कट्स। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोगों ने जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, अभी मैंने ईद की शॉपिंग करने बच्चों की जाना है, अभी तो इससे थोड़ी सी समर की मैंने शॉपिंग की, जो चीज मेरे सामने आ गई तो मैंने ले ली। और आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि मैं यूट्यूब से गीतान करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितना कभी सोचा नहीं था उतना वैसे बना लेती हूँ, कमा लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है घर में रह के। अगर आप मुझसे एग्जैक्ट अमाउंट पूछे तो वो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको इशारा जरूर दे सकती हूँ कि जितनी एक DSLR की प्राइस है माशाल्लाह इतना मैं अर्न कर लेती हूँ। ठीक है, आप लोग भी जो घर में फारिग बैठे हैं, जो औरतें ये काम करना चाहती हैं, जिनको फैमिली की तरफ से परमिशन है, वो जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आपकी सोच है, आप अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, आप अपना जिंदगी, आप सब कुछ बदल सकते हैं जिस तरह मैंने बदली है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।